हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है और आज मैं आप लोगों का शेयर करने वाली हूँ एक रबर बैंड की मदद से दो क्यूट एंड ब्यूटीफुल से बन हेयर स्टाइल। तो किस तरीके से बनाना है सब कुछ आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को कर दीजिए अभी फिर लाइक, क्योंकि आप लोग बाद में लाइक करना भूल जाते हो। एंड मेकअप ट्यूटोरियल एंड स्किन केयर रूटीन मेरे ज़्यादा देखने के लिए आप मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सेकंड चैनल का नेम है प्रीत तिवारी 2, तो प्लीज़ उस चैनल पर भी जाइए। इंस्टाग्राम प्रीत तिवारी 24 है, वहाँ पर मेरी रील्स वीडियो आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट हेयर स्टाइल होगा उसमें आपको क्या करना है, सिंपली अपने बालों को हाफ बालों को इस तरीके से रखना है। एंड अपर डायरेक्शन के जो हाफ हेयर हैं उनको ऊपर में ही इस तरीके से सिक्योर कर लेना है। ओके, इसका यूज हम लोग बाद में करेंगे, तो इसको मैं क्लचर से यहाँ पे सेट कर दे रही हूँ। और जो बैक साइड का हेयर है उनको अच्छे से कॉम करेंगे। ओके, और रबर बैंड लगाएंगे। यहाँ से मैं चार उंगली ऊपर रबर बैंड को लगा रही हूँ, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं बनाना है और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं बनाना है। इसमें आप पोनीटेल बनाने के बाद से आपको पोनीटेल को हल्का सा लूज करना है, देन इस तरीके से एक होल करना है अंदर और पोनीटेल के सारे हेयर को इस तरीके से पकड़ना है। ओके, और अंदर की तरफ खींच लेना और अगले इसको टाइट कर देना है। ओके, टाइट करने के बाद से आपको क्या करना है, आपको चाहिए एक और पतला रबड़ बैंड या फिर मोटा, आपकी चॉइस है। आपको जिस टाइप का रबड़ बैंड लेना है आप ले लीजिएगा, बट रबड़ बैंड यहाँ पे यूज करना है। ओके, तो मैं यहाँ पे एक पतला रबड़ बैंड ले रही हूँ और थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हुए यहाँ पे रबड़ बैंड को लगा दी। ओके, रबड़ बैंड लगाने के बाद से थोड़ा सा इस एरिया को फैलाना है और सारे हेयर को रबर बैंड के अंदर इस तरीके से हाइड कर लेना है, छुपा लेना है और ऐसे करके यू पिन की मदद से अच्छे से बन को बना लेना है। फ्रेंच बन यहाँ पे हमारा बन जाएगा। ओके, थोड़ा सा ऊपर का हेयर यानी कि बन बन का हेयर वो स्कैल्प के हेयर के साथ अटैच करके भी इस तरीके से पिन को लगा लेना। इतना करने के बाद से आपको ऊपर के हेयर को खोल लेना है। देन इसमें बनानी है एक चोटी, टाइटली बनानी है, एकदम लूज नहीं करनी है। टाइटली इसलिए बनानी है जो हमारा कर्ट का हेयर स्टाइल है वो खराब ना हो जाए। लूज करोगे तो खराब हो सकती है, फिर उसको पिन यूज करना पड़ेगा, इसलिए टाइट बना लीजिएगा। चोटी को पूरा एंड तक गुथेंगे। आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा होगा गाइस। एंड तक घुसने के बाद से एक साइड से इसको लेके जाएंगे और दूसरी साइड से लेके आएंगे और ये नीचे की तरफ से हेयर को निकालेंगे और यू पिन से इसको पूरा सिक्योर कर देंगे। तो ये है ना बहुत ही क्यूट एंड इजी सा हेयर स्टाइल, वो भी सिर्फ एक रबर बैंड की मदद से। आपको इसमें बहुत ज़्यादा हेयर स्टाइल टूल्स वगैरह यूज करने की जरूरत भी नहीं है और आपका हेयर स्टाइल भी है जो वो बहुत काफ़ी प्यारा है, स्टाइलिश लगेगा। सबसे अच्छी बात है कि सेल्फ कर लोगे आप, खुद से बना लोगे ये हेयर स्टाइल, तो साइड से तो इस तरीके का लुक है इस हेयर स्टाइल का एंड फ्रंट से भी इस तरीके का लुक आएगा। हल्का हल्का खींच लेंगे और पफ का लुक दे देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल हो गया, वो भी सिर्फ एक रबर बैंड की मदद से। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए सेकेंड हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं। ओके,
सेकेंड हेयर स्टाइल में जो हमने फ्रंट से चोटी बनाई थी इसको ऐसे ही छोड़ देंगे एंड बैक के सारे हेयर को अच्छे से कॉम करेंगे। और रबड़ बैंड को लगा देंगे। रबर बैंड को टाइटली लगा लेना है एंड रबर बैंड के जितने भी हेयर हैं उनको टू पार्ट में डिवाइड कर देना है और उसको आपस में ट्विस्ट कर देना है। ट्विस्ट करने के बाद फिर इसको अच्छे से रबर बैंड के चारों तरफ लपेटना है एंड यू पिन से सिक्योर कर देना है। एक्स्ट्रा हेयर दिख रहा है उसको अच्छे से यूपिन से पैक कर लीजिएगा। अब आपने जो एक चोटी बनाई थी उसको थोड़ा थोड़ा सा लूज करेंगे। आप चाहो तो चोटी के लास्ट में एक पिन लगा सकते हो, सॉरी रबड़ बैंड लगा सकते हो और अच्छे से जो आपने बन बनाई है उसके चारों तरफ से लपेट देंगे और यू पिन से इसको पैक कर देंगे। और ये हेयर स्टाइल भी काफ़ी स्टाइलिश है एंड इजी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और सबसे अच्छी बात की सिर्फ एक रबर बैंड के आप ये दोनों क्यूट से इजी हेयर स्टाइल बना सकते हो। इसको आप पार्टी वगैरह में भी ट्राई कर सकते हो ये हेयर स्टाइल आप, और बस थोड़ा सा आपको डेकोरेट करना पड़ेगा। डेकोरेट कर लीजिएगा गजरा से या फिर कोई अच्छे से फ्लावर की मदद से या फिर जिससे आपको अच्छा लगे। तो ये हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल हो गया। वैसे भी आपको अनमैनेज लग रहा है हेयर तो आप उसको ये पीस की मदद से अच्छे से सेट कर लीजिए। तो ये हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल हो गया और फ्रंट से इसका भी लुक कुछ इस तरीके का है ना। तो बहुत ही इजी एंड क्यूट से दो हेयर स्टाइल जो कि आप सिर्फ एक रबर बैंड की मदद से बना सकते हो। तो आपको दोनों में से कौन सा हेयर स्टाइल अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ट्राई जरूर कीजिएगा। आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो, इंस्टा आईडी PreetiWari24 है, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो या फिर आपको मेरा मेकअप वगैरह पसंद आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और आपको बुकिंग करनी है तो भी बता सकते हो, मैं मेकअप करने के लिए वहाँ पर मैं अपना व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। मैंने दो क्लिप्स लगा दी है ताकि मेरा हेयर स्टाइल लॉन्ग लास्टिंग है। ये ऑप्शनल है, आपको निकालनी है तो आपकी चॉइस है, अदरवाइज आप उसको अपने हेयर स्टाइल के साथ ही छोड़ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।